हेलो नमस्कार गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ सिलॉजिज्म. मैं हूं मनीष मिश्रा एंड इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट सम एडवांस क्वेश्चंस ऑफ सिलॉजिज्म. इन द प्रीवियस सेशंस हमने सीखा था द बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी किए थे. आई होप आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन नंबर वन इज इन द स्टेटमेंट्स इट इज गिवन दैट सम लैपटॉप आर माउस, सम माउस आर सीपीयू and all the CPU are keyboard. So now guys, let us first draw the Venn diagram. So all the CPU are keyboard, all the CPU are keyboard, and some mouse are CPU, some mouse are CPU, and some laptop are mouse. So this is the basic Venn diagram of the given statements. Alright, now let's move on to the conclusion. So conclusion number one is some keyboard are laptop. सो गाइज बिटवीन कीबोर्ड एंड लैपटॉप देर इज नो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड हमने सीखा था दैट इफ देर इज नो इन्फॉर्मेशन गिवन बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स देन ऑल द पॉसिबल कंक्लूजन्स विल बी ट्रू एंड ऑल द डेफिनेट कंक्लूजन्स विल बी फॉल्स. सो दिस कंक्लूजन नंबर वन इज वॉट डेफिनेट कंक्लूजन. सो गाइज दिस मस्ट बी फॉल्स. नाउ नेक्स्ट इज ऑल माउस बींग कीबोर्ड इज अ पॉसिबिलिटी. सो गाइज ऑल माउस बींग कीबोर्ड इज अ पॉसिबिलिटी. सो गाइज जो माउस और कीबोर्ड का रिलेशन है वो किसका है, सम का रिलेशन है. ऑलराइट, इट इज अ रिलेशन ऑफ सम. और अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो तो हमने पढ़ा था दैट इन द केस ऑफ सम डेफिनेट आंसर दो, एक हो सकता है जो कि सम का और पॉसिबिलिटी के लिए दो आंसर हो सकते हैं दैट इज ऑल का एंड सम नॉट का. ऑलराइट, ऑल एंड सम नॉट के लिए दो आंसर हो सकते हैं फॉर पॉसिबिलिटी केस. सो नाउ देर इज अ रिलेशन ऑफ सम बिटवीन माउस एंड कीबोर्ड. सो जो पॉसिबिलिटी होगी उसमें दो आंसर पॉसिबल हैं दैट इज ऑल एंड सम नॉट. एंड इन द कंक्लूजन इट इज गिवन दैट ऑल माउस बींग कीबोर्ड इज अ पॉसिबिलिटी विच मीन्स दिस कंक्लूजन इज एब्सोल्यूटली करेक्ट. नाउ सम लैपटॉप आर डेफिनेटली नॉट सीपीयू. नाउ बिटवीन लैपटॉप एंड सीपीयू देर इज नो डायरेक्ट रिलेशन. लैपटॉप और सीपीयू के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है विच मीन्स जो डेफिनेट स्टेटमेंट होगी वो एब्सोल्युटली क्या होगी, इनकरेक्ट. विच मीन्स गाइज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी ओनली टू फॉलोज. ओके, सो गाइज आपको अगर सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे पिछले वाले हमारा जो सेशन हुआ था उसमें देन आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली और बहुत कम समय में कर पाएंगे. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल मिरर्स आर कॉम्स. सो लेट अस ड्रॉ द वेन डायग्राम. ऑल मिरर्स आर कॉम्स, all combs are gels and all gels are cream. Right? All gels are cream. Now, conclusion number one is all creams being mirror is a possibility. So, all creams being mirror is a possibility. Yes, because हमने पढ़ा था जब all वाला case था when all A is B. अगर all A is B होगा तो जो अंदर वाला circle होता है उसके लिए एक डेफिनेट केस पॉसिबल होता है दैट इज सम. ओके, और जो बाहर वाला सर्कल होता है उसके लिए पॉसिबिलिटी में ऑल वाला केस बिल्कुल ट्रू होता है. सो देयरफॉर वी कैन से द स्टेटमेंट नंबर द कंक्लूजन नंबर वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ सम क्रीम आर डेफिनेटली कॉम्ब. सम क्रीम आर डेफिनेटली व्हाट, कॉम्ब. यस, बिकॉज जो अंदर वाला सर्कल है उसके लिए जो डेफिनेट कंक्लूजन बाहर वाले सर्कल के लिए जो डेफिनेट कंक्लूजन होता है दैट इज व्हाट, सम. ऑलराइट, तो इसलिए ये वाला कंक्लूजन भी क्या होगा, ट्रू होगा. नाउ नेक्स्ट इज ऑल जेल्स आर कॉम्ब. सो ऑल जेल्स, ये वाला जो जेल्स है ये क्या कॉम्ब हो सकता है, नहीं. अगर ये पॉसिबिलिटी होता देन इट माइट बी ट्रू बट इट इज अ डेफिनेट स्टेटमेंट विच मीन्स इट इज इनकरेक्ट. सो गाइज देयरफॉर द आंसर इज सी ओनली वन एंड टू फॉलो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ओनली फैन आर बेल. नाउ गाइज देयर इज अ वर्ड इन द स्टेटमेंट विच इज ओनली. Now let me tell you this, जो only का Venn diagram होता है वो all का reverse होता है. मतलब कि अगर only fan or bell है तो जो इसका Venn diagram होगा वो क्या होगा, all bell are fans. Okay? All bell are fans. Now अगर आपको statement में given है that only A or B, only A or B, तो in that case guys जो आपका Venn diagram बनेगा वो किसका बनेगा, all B or A. So I hope आपको ये वाली चीज याद रहेगी. Now, since all only fan are bell, which means all bell are
fans. Okay, now some fans are jugs, some fans are jugs, and some books are jugs. Some books are jugs. So this is the possible Venn diagram of the given statements. Now let's move on to the conclusions. So conclusion number one is some books are fans. So between book and fan there is no direct relation, which means we can't say about this conclusion, therefore this conclusion will be incorrect. Now some bell are not book, some bell are not books. Again there is no direct relation between book and bell, so we can't say about this conclusion, so this will be incorrect. Now all fan are book, सारे फैन क्या है, बुक है. सो गाइस क्या सारे फैन बुक है? नहीं, क्योंकि जो बुक और फैन का रिलेशन है वो किसका है, ऑल का है. सो जो बाहर वाला सर्कल है उसके लिए जो ऑल है, सम है, वो डेफिनेट केस में आता है, और जो ऑल होता है वो पॉसिबिलिटी में आता है. और इसमें हमें गिवन है दैट ऑल फैन आर बुक, ये डेफिनेट स्टेटमेंट गिवन है, सो विच मीन्स दिस विल बी अगेन इनकरेक्ट. सो देयरफॉर गाइस द करेक्ट आंसर विल बी डी, नन फॉलोज. ऑलराइट, now next question is, now there are four statements and three conclusions. Okay, so let us draw the Venn diagram first. All tires are books, all tires are books. Okay, all books are rods, all books are rods. Some notes are tires, some notes are tires, and all checks are notes, all checks are notes. Okay, so yahan pe chota sa ek circle, let us make it again. So all tires are books, all tires are books, and all books are rods, all books are rods. Some notes are tires, some notes are tires, and all checks are notes, all checks are notes. तो यहां पे हम बना देते हैं, ये check का circle है और ये जो बड़ा वाला circle है किसका है, notes का. Alright, so now कंक्लूजन को चेक करते हैं. ऑल रॉड्स आर नोट्स. सो गाइस बिटवीन रोड्स, रॉड्स एंड नोट्स देयर इज अ रिलेशन ऑफ सम. ओके, ये वाला जो पोर्शन है ये किसका है, सम नोट्स आर रॉड्स का, या फिर यूं कहें सम रॉड्स आर नोट्स का. सो इन द केस ऑफ सम ऑल टेक्स द आंसर ऑफ पॉसिबिलिटी. अगर सम का केस होता है तो उसमें जो ऑल होता है वो पॉसिबिलिटी लेता है, और ये क्या है, डेफिनेट स्टेटमेंट है, विच मीन दिस विल बी गाइस इनकरेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज सम बुक्स आर टायर्स, कुछ बुक्स टायर्स हैं. सो बुक ये रहा एंड टायर ये रहा. सो टायर और बुक का जो रिलेशन है वो कौन सा है, ऑल वाला है. सो ऑल वाले में हमने सीखा था जो बाहर वाला बड़ा वाला सर्कल होता है उसमें जो सम होता है वो क्या होता है, डेफिनेट होता है, और ये भी क्या है, डेफिनेट है. तो सम बुक्स आर टायर्स विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ सम टायर्स आर चेक्स, कुछ टायर जो है वो चेक है. सो टायर और चेक के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, विच मीन्स वी कांट से अबाउट दिस कंक्लूजन, सो दिस विल बी अगेन इनकरेक्ट. Now in the option we have to mark those options as true which are incorrect. Okay, so in the incorrect conclusions are 1 and 3, so therefore our answer will be B, only 1 and 3 do not follow. Now guys, next question is, no chocolates are holder, all holders are lamps, some lamps are desk, and some desk are pens. So let us draw the Venn diagram. So all holders are lamps, and some lamps are desk, some desk are pens, and no chocolate is holder, koi bhi chocolate holder nahi hai. Okay, so this is the basic Venn diagram of the given statements. Now let's check for the conclusions. So all desks being chocolate is a possibility. Sara ka sara desk chocolate ho jaye, kya ye possibility hai? Yes, because there is no direct relation between desk and chocolate. So if there is no direct relation between desk and chocolates, then all possibilities are true. अगर किसी दो elements के बीच में direct information नहीं है तो सारी possibilities true होती है, which means this is correct. Now some desks are not chocolates, some desks are not chocolates. So this is a definite statement and we can't say anything definitely about desk and chocolate. And some chocolates are not holder, some chocolates are not holder. Yes, so in the case of no, हमने पढ़ा था that there is no possibility कोई भी नहीं होगी, and definite में दो answers true होंगे, एक तो होगा खुद no और एक होगा some not. Alright, so this conclusion is of what, some not. So we can say some chocolates are not holder will be absolutely correct. So therefore guys, the correct answer will be D, only 1 and 3 follow. Guys, I hope आपको
समझ में आ रहा होगा और ये जितने भी एडवांस क्वेश्चन हमने करे आपको समझ में आ गए होंगे। आपको कुछ नहीं करना, जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे पिछले सेशन में बस वो अगर आपको पता है देन आई गारंटी आपका कोई भी क्वेश्चन सिलॉजिज्म का नहीं छूटेगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आइदर और केस गाइज। सो इन द आइदर और केस हमें तीन चीजों के लिए चेक करना है। ओके, यू हैव टू चेक फॉर थ्री पॉइंट्स। नंबर वन इज वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव एंड अदर मस्ट बी नेगेटिव। एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स मस्ट बी कॉमन। एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए एंड बोथ द कंक्लूजन्स मस्ट बी फॉल। अगर ये तीनों चीजें फॉलो हो रही हैं देन दिस विल बी द केस, दैट विल बी द केस ऑफ आइदर और, अदरवाइज इट विल नॉट बी अ केस ऑफ आइदर और। ऑलराइट, नाउ गाइस लेट्स डू दिस क्वेश्चन। सो सम मैंगोज आर एप्पल एंड ऑल फ्रूट्स आर एप्पल। सो लेट अस ड्रॉ द वेन डायग्राम फर्स्ट। ऑल फ्रूट्स आर एप्पल एंड सम मैंगोज आर एप्पल। सो दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कंक्लूजन। सो एट लीस्ट सम मैंगोज आर फ्रूट्स। एट लीस्ट सम मैंगोज आर फ्रूट्स। ओके, सो एट लीस्ट सम का मतलब गाइस सम ही होता है, डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट दिस। एट लीस्ट सम का मतलब क्या है कि डेफिनेटली सम मैंगोज जो है वो फ्रूट्स हैं। डेफिनेट स्टेटमेंट है ये अबाउट मैंगोज एंड फ्रूट्स। सो बिटवीन मैंगो एंड फ्रूट देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन, सो वी कांट से अबाउट दिस। सो दिस विल बी व्हाट, इनकरेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज सम मैंगोज आर डेफिनेटली नॉट फ्रूट्स। तो दिस इज अगेन अ डेफिनेट स्टेटमेंट बिटवीन फ्रूट्स एंड मैंगोज एंड देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम, सो वी कैन से दैट दिस विल बी अगेन इनकरेक्ट। नाउ सिंस बोथ द कंक्लूजन आर फॉल्स, लेट अस चेक वेदर इट इज अ केस ऑफ आइदर और नॉट। सो we have to check for three points. All right, so number one point is one statement must be positive, yes this is positive, and another must be negative, so this is negative, yes. So pehla jo point hai hamara theek hai. Dusra point must be element should be same, so elements are same here, mangoes fruits, yes. To dusra wala point bhi theek hai. Aur teesra point kya tha ki dono conclusion must be false, so yes dono conclusion false hai, matlab ye bhi theek hai, which means this is a case of either or. So therefore the correct answer guys will be C, either one or two follows. Now guys, अब आपको ये लग रहा होगा कि since both the conclusions are false, तो हमने neither one nor two follows mark क्यों नहीं किया? Okay? So let me explain you this, because ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो दो हमारे conclusions हैं ये कैसे हैं, complementary pairs हैं. Alright? These are complementary pair. Now what is complementary pair? Okay. So, अब आप इसको समझने की कोशिश करना। अगर हम ये कहते हैं दैट सम मैंगोज आर फ्रूट्स, सम मैंगोज आर फ्रूट्स को हम कहते हैं इनकरेक्ट। ओके, सम मैंगोज आर फ्रूट्स को अगर हम इनकरेक्ट कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि सम मैंगोज आर नॉट फ्रूट्स। ओके, लेट मी रिपीट दिस। इफ वी से दैट सम मैंगोज आर फ्रूट्स देन वी आर सेइंग दैट सम मैंगोज आर नॉट फ्रूट्स और नॉट, यस। सो अगर ये वाला गलत होगा, पहला कंक्लूजन गलत होगा, तो दूसरा मतलब सही होगा। Alright. लेकिन अगर हम दूसरे वाले को बोलते हैं इनकरेक्ट दैट सम मैंगोज आर डेफिनेटली नॉट फ्रूट्स, अगर हम इसको इनकरेक्ट बोलते हैं देन जो ऊपर वाला कंक्लूजन है दैट सम मैंगोज आर फ्रूट्स दैट मस्ट बी करेक्ट। ओके, गेटिंग इट? लेट मी रिपीट दिस पॉइंट। अगर मैं कहता हूं कि सम मैंगोज आर फ्रूट्स, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि ये गलत है, अगर कुछ मैंगो फ्रूट्स है ये बात गलत है, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ मैंगोज फ्रूट्स नहीं है। ऑलराइट, एंड सेकेंड वाले में अगर मैं कह रहा हूं कुछ मैंगोज फ्रूट्स नहीं है और ये बात गलत है, इसका मतलब कुछ मैंगोज जरूर फ्रूट्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से एक टाइम पे कोई एक कंक्लूजन फॉलो कर सकता है। ऑलराइट, सो देयरफॉर द आंसर इज आइदर वन और टू फॉलोज। बट यस, अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होता, मतलब यहाँ पे अगर ये एलिमेंट्स डिफरेंट होते देन वी विल मार्क द आंसर एज नाइदर वन नॉट टू फॉलोज। ऑलराइट, सो गाइज आई होप आपको आइदर और का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। लेट मी रिपीट इट वंस मोर। सो सम मैंगोज आर फ्रूट्स अगर हम कहते हैं कि गलत है, अगर मैं कह रहा हूं कि सम मैंगोज आर फ्रूट्स गलत है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ मैंगोज फ्रूट्स नहीं है। ऑलराइट, और अगर मैं कह रहा हूं सम मैंगोज आर डेफिनेटली नॉट फ्रूट्स, ये वाली बात गलत है, देन सम मैंगोज आर फ्रूट्स वाली बात बिल्कुल सही होगी। इसका मतलब अगर टू फॉलो करेगा तो वन फॉलो नहीं करेगा, और अगर वन फॉलो करेगा तो टू फॉलो नहीं करेगा। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन गाइस इज आइदर वन और टू फॉलोज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम व्हाइट आर ब्लैक, ऑल ग्रीन आर ब्लैक एंड सम ब्लैक आर रेड। सो लेट अस ड्रॉ द वेन डायग्राम फर्स्ट। ऑल ग्रीन आर ब्लैक, ओके, एंड सम ब्लैक आर रेड।
and some white or black. Some white or black. All right. So this is the Venn diagram with minimum overlapping. Okay. Now let's check for the conclusion. So no red is white. No red is white. It is a definite statement. And between white and red, there is no direct information, which means this will be incorrect. Now next is all reds being white is a possibility. Now since there is no direct relation between white and red, which means all the possibilities will be correct. So therefore this statement conclusion is absolutely correct. Now some red are white. This is again a definite statement and therefore it will be incorrect. Now अब हमारे दिमाग में ये सवाल आना चाहिए दैट आइदर और वाला केस वन और टू में लगेगा या टू और थ्री में लगेगा. सो गाइस टू और थ्री में या वन और टू में इसलिए नहीं लग सकता बिकॉज जो सेकंड स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है एंड आइदर और में हमें पता था कि दोनों कंक्लूजन कैसे होने चाहिए, गलत होने चाहिए. ऑलराइट, सो आइदर और का केस सेकंड के साथ नहीं लग सकता. एंड वन मोर थिंग, जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने एक पॉइंट देखा था कि आइदर और में पॉसिबिलिटी का केस नहीं हो सकता. ऑलराइट, आइदर और में अगर मान लो कि ये वाला स्टेटमेंट गलत भी होता, लेट अस से कि ये स्टेटमेंट जो ये वाला जो कंक्लूजन है हमारा गलत है, तब भी हम इसको आइदर और वाले केस में नहीं ले सकते थे. वाई? बिकॉज आइदर और के केस में पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती. ओके, सो नाउ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड लेट अस चेक फॉर वन एंड थ्री वेदर इट इज गोइंग फॉर आइदर और नॉट. सो रेड एंड व्हाइट एलिमेंट्स आर सेम, बोथ द कंक्लूजन्स आर फॉल्स एंड वन स्टेटमेंट इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव. Which means the correct answer will be, guys, either one or three, or second वाला भी true है, which means and two. So therefore the correct answer will be C, either one or three and two follows. Okay. Now, guys, next question. All pens are erasers. All erasers are pencil and some erasers are scale. Now, all pens are erasers. All erasers are pencils. All erasers are pencils and some erasers are scale. Okay, so now let's check for the conclusions. All pens are scale. So there is no direct relation between pen and scale, so we can say that this will be incorrect. Some pens are not scale. Again there is no direct relation. Some scale are not pens. Again there is no direct relation. So all the conclusions are incorrect. Now guys, अब यहां पे एक कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि आंसर आइदर वन और टू होगा या आइदर टू और थ्री होगा. ओके, आइदर वन और टू होगा या आइदर टू और थ्री होगा. नाउ अगर आपको कॉन्सेप्ट गाइस अच्छे से समझ में आए थे तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि तीन पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए. एक तो एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, एक स्टेटमेंट नेगेटिव होना चाहिए. ओके, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि दोनों एलिमेंट्स कॉमन होने चाहिए, और तीसरा हमने पढ़ा था दैट बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी फॉल्स. राइट, सो नाउ अगर हम पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट को देखें तो एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरी स्टेटमेंट नेगेटिव है. ओके, ठीक है, पहला वाला फॉलो करता है. दूसरे में देखें एलिमेंट सेम है, पेन स्केल, ठीक है, ये भी ठीक है. और तीसरे में देखें कि दोनों कंक्लूजन फॉल्स है, यस, ये भी ठीक है. तो आइदर वन और टू हो सकता है. नाउ लेट्स चेक फॉर आइदर टू एंड थ्री. सो टू एंड थ्री में तो गाइस दोनों स्टेटमेंट कैसी है, नेगेटिव है, तो इसलिए आइदर और का केस नहीं लग सकता. नाउ लेट्स चेक फॉर वन एंड थ्री. तो वन एंड थ्री में अगर हम देखें तो एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरी स्टेटमेंट कैसी है, नेगेटिव है, और दोनों की दोनों फॉल्स हैं. बट एक बात मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है. नाउ यू विल से दैट भाई एलिमेंट्स तो सेम है, पेंस और स्केल. बट नहीं गाइस, एलिमेंट सेम होने का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट है वो दोनों सेम होने चाहिए. तो यहां पे अगर हम देखें पेन और स्केल है, यहां पे क्या है, स्केल और पेन है. ऑलराइट, सो इसको हम ये नहीं कह सकते दैट एलिमेंट्स आर सेम. ऑलराइट, सो इस चीज के बारे में आप गलती मत करना एग्जाम में कि आप बस नाम देखो एंड आंसर मार्क कर दो. आपको ये भी चेक करना है कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम है या नहीं. ऑलराइट, सो अगर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम है तभी एलिमेंट्स कॉमन है, अदरवाइज नहीं है. और वन और थ्री में अगर हम देखते हैं तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉमन नहीं है, विच मीन्स एलिमेंट्स आर नॉट कॉमन. सो देयरफॉर आइदर और केस विल नॉट बी फॉलो इन कंक्लूजन वन एंड थ्री. सो नाउ देयरफॉर गाइस द करेक्ट आंसर विल बी सी, आइदर वन और टू फॉलो. सो गाइस आई होप आपको आइदर वाला जो केस है वो समझ में आ गया है एंड जो भी एडवांस क्वेश्चन हमने करे थे वो भी आपको क्लियर है. सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन गाइस. आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं. अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उन डाउट्स के लिए आपको जरूर रिप्लाई करूंगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस
and keep watching anujindal.in.